2023 में भारत में दौड़ेगी बिना तेल बिजली वाली ट्रेन। रेलवे ने फिक्स किए 8 रूट, हाइड्रोजन ट्रेन का नाम होगा वंदे मेट्रो। रेलवे ने बड़ी खुशखबरी देते हुए बताया कि भारत में इसी साल दिसंबर से हाइड्रोजन ट्रेनें दौड़ेंगी, यानी कि बिना बिजली बिना डीजल के इस्तेमाल के ट्रेन चलाने का सपना 2023 में ही पूरा हो जाएगा। रेलवे ने हाइड्रोजन ट्रेन का नाम वंदे मेट्रो रखा है, जिसे मेक इन इंडिया और स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। सरकार ने हाइड्रोजन ट्रेन या कहे तो वंदे मेट्रो को लेकर एक खास प्लानिंग की है। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसके तहत यूनेस्को की 8 वर्ल्ड हेरिटेज रूट पर इन ट्रेनों को चलाया जाएगा। पहले चरण में हाइड्रोजन ट्रेन को माथेरान हिल, दार्जिलिंग हिमालयन, कालका शिमला, कांगड़ा घाटी, बिलमोरा बघई, महू पताल पानी, नीलगिरी माउंटेन रेलवे और मारवाड़ देवगढ़ मडरिया पर हाइड्रोजन ट्रेनें चलेंगी। इसके बाद वंदे मेट्रो को दूसरे रूट पर भी चलाने का प्लान है। देश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए इंडियन रेलवे हाइड्रोजन ट्रेन चलाने जा रही है। अभी तक भारत में डीजल और बिजली के सहारे ट्रेन चलती थी, लेकिन अब देश में पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें दौड़ेंगी। भारत में अभी तक 13,555 डीजल ट्रेन चल रही है, जिसके लिए 237 करोड़ लीटर डीजल की खपत होती है। अगर हाइड्रोजन फ्यूल आधारित ट्रेन को शुरू किया जाता है तो एक तरफ डीजल पर होने वाले खर्च में कमी आएगी, तो वहीं दूसरी तरफ ये दुनिया की गिनी चुनी ट्रेन होगी जो पूरी तरह से क्लीन एनर्जी पर चले। भारत की हाइड्रोजन ट्रेन की खास बात ये होगी, इसका निर्माण और टेक्नोलॉजी दोनों स्वदेशी होगा। ये ट्रेनें कोई प्रदूषण नहीं करती है, इस ट्रेन से धुआं नहीं भाप और पानी निकलता है। हाइड्रोजन ट्रेन बाकी ट्रेनों के मुकाबले बहुत कम शोर करती है, जबकि इसकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी। हाइड्रोजन ट्रेन की रेंज 1000 किलोमीटर की होगी और केवल 20 मिनट में फ्यूल भरा जा सकता है। हाइड्रोजन फ्यूल एनर्जी दूसरे फ्यूल के मुकाबले काफी ज्यादा होती है। 1 किलो हाइड्रोजन 4.5 लीटर डीजल के बराबर होती है। देश की नॉर्दर्न रेलवे वर्कशॉप में हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ट्रेन का प्रोटोटाइप तैयार किया जा रहा है, जिसका परीक्षण हरियाणा में सोनीपत जिंद खंड पर किया जाएगा। अभी तक केवल दुनिया के 2 देशों में हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही है, जिसमें जर्मनी और चीन का नाम है। जर्मनी में 27 हाइड्रोजन ट्रेनों का खर्च करीब 4,891 करोड़ रुपए का आया, यानी कि एक ट्रेन पर करीब 182 करोड़ का खर्च। लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि भारत में इस ट्रेन को करीब 50 करोड़ में बना लिया जाएगा। अभी तक भारतवासियों ने बिजली या फिर डीजल से चलने वाली ट्रेनों में सफर किया है। इससे पहले कोयले से ट्रेनों का संचालन होता था, लेकिन दिसंबर 2023 से भारत के लोग भी बिना बिजली और बिना तेल वाली रेल में सफर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एक भारत न्यूज़।